थोड़ी सी पानी में और फिर हम इसको थोड़ी देर और स्टर करेंगे। अब मैं एक और फ्राइंग पैन लेके और इसके अंदर डालूंगी थोड़ा बटर और बटर के अंदर मैं डालूंगी ये मैदा। मैदा को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे इस तरह से, देखिए थोड़ा सा मैदा भुन जाए और फिर इसके अंदर ये भी इसको बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर देगी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लगेगी ये। और मैं इसके अंदर डालूंगी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से अच्छा टेंगी टेस्ट आएगा और कलरफुल लगेगा। तो ये मेरा पास्ता हो गया बिल्कुल बढ़िया तैयार। और चलते हैं अब प्लेटिंग।